फरीदाबाद से खबर मिल रही है, अजरौंदा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सिर्फ एक दुकान आग की चपेट में आई है, आसपास और भी दुकानें थी और ये गनीमत रही कि बाकी दुकानें आग की चपेट में नहीं आई। लेकिन नुकसान ये हुआ है कि दुकान के आगे जितने भी वाहन खड़े थे सभी वाहन आग की चपेट में आ गए। तो ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। दीपक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल देर रात अजरौंदा गांव में ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। दरअसल दिवाली का जश्न लोग मना रहे थे, उस समय घरों में जब पटाखे चल रहे थे तभी अचानक जोर से ब्लास्ट की आवाज लोगों को सुनाई दी और लोगों ने जब पहले तो सोचा कि शायद ये किसी बम की आवाज है, लेकिन बाद में नजर पड़ी तो पड़ोस की एक दुकान पर आग लगी हुई थी। पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई। आमतौर पर स्थानीय लोग जो है उन्होंने आग पर काबू पाया पुलिस के साथ मिलकर। पुलिस के मुताबिक, साफ तौर पर पुलिस ये कह रही है कि जांच में पहली नजर जो सामने आ रहा है वो नाम सामने ये आ रहा है कि दिया जल रहा था दुकान में, उस दिए की वजह से दुकान में आग लगी। जबकि स्थानीय लोग जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस दुकान में गैस रिफिलिंग का काम होता था और वहां से गैस लीक हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि आस पड़ोस के लोग जो थे वो काफी सतर्क थे और इसी वजह से ये बड़ा हादसा होने से रुक गया, क्योंकि मेन मार्केट में ये दुकान थी और दुकान में अगर ये आग ज्यादा बढ़ती तो आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले सकती थी। लेकिन आसपास के लोगों ने काफी फुर्ती दिखाई, उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर आग पर काबू पाया और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग पर लगभग काबू पाया जा चुका था। तो फिलहाल इस मामले की अगर हम बात करें तो लाखों का नुकसान हुआ है, चूंकि दुकान लगभग जलकर खाक हो चुकी है, लाखों का नुकसान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई चोट किसी इंसान को नहीं लगी है। हालांकि दो गाड़ियां इसमें जल गई हैं, स्कूटी और बाइक इसमें जली है, जो दुकान के सामने खड़ी थी वो चपेट में आ गई थी, वो जल गई थी। और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि वो इंक्वायरी कर रही है, हालांकि पहली दृष्टि में उनके सामने यही आ रहा है कि ये आग जो है दिए से लगी है, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी की गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।